हाय फ्रेंड्स मैं हूं प्रतिमा जबलपुर से वीडियो में जो पौधा आप देख रहे हैं यह है भृंगराज का पौधा इसमें सफ़ेद रंग के छोटे फूल देख रहे हैं आप और पतली लंबी सी पत्ती होती है और दोस्तों इसका टेस्ट तीखा और कड़वा होता है इसकी पत्ती का रस का टेस्ट तीखा कड़वा होता है और इसका जो रस होता है वो चर्म रोग के लिए बहुत फायदेमंद है और बालों को जड़ से काला करने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है ये बालों की रूसी को दूर करता है बालों का झड़ना रोकता है और बालों को मजबूती भी देता है और दोस्तों इसकी तासीर जो होती गर्म होती है ये शरीर में वात और कफ दोष को भी दूर करता है और शरीर के दर्द को भी ठीक करता है इसका दोस्तों फूल फल जड़ तना पत्ती सभी कुछ और आयुर्वेदिक में उपयोग में आता है औषधि बनाने के लिए और इसके रस को यदि हम पाँच से दस एम प्रतिदिन लें तो बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसके तेल की यदि प्रतिदिन सिर में हल्की मालिश की जाए तो नींद अच्छी आती है और दोस्तों इस ये जो पौधा होता है आँखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है इसका चूर्ण एक से तीन ग्राम यदि गाय के घी के साथ लिया जाए तो रतौंधी जो रोग होता है और आँखों की समस्याओं को ये दूर करता है और दोस्तों एनीमिया रोग जो होता है उसको भी दूर करता है रक्त को शुद्ध करता है जटराग्नि को बढ़ाता है पाचन ठीक करता है लीवर और नाभि से संबंधित समस्याओं को दूर करता है पेट में यदि कीड़े हों तो उसको भी ये पंद्रह से बीस एम एल अगर इसका जूस लिया जाए तो ऑयल मिला करके तो वो कीड़े भी बाहर निकाल देता है ये है दोस्तों इसकी पत्तियाँ और आसानी से मिल जाता है छोटे सफ़ेद फूल होते हैं इसमें और इसको जो पत्तियाँ होती चमकदार होती हैं थोड़ी खुरखुरी सी होती हैं ये देखिए इसको रगड़ रही हूँ मैं रगड़ने से क्या होता है बिल्कुल इसका काला रंग निकलता है और बिल्कुल हेयर कलर की तरह ये काला हो जाता है देखिए बहुत अच्छा हेयर कलर भी है इसके बीच छटक छटक करके नए पौधे निकल जाते हैं एक बार यदि आप अपने गार्डन में लगा लेंगे तो हमेशा के लिए ये हो जाएगा डेली इसमें पानी देना होता है ये पानी वाली जगह पे अक्सर आपको दिख जाएगा तो ये है दोस्तों भृंगराज देखिए हाथ कैसा काला हो गया और मैं अब हाथ धोऊंगी भी ना तो भी क्या है हल्का सा काला सा रंग मेरे हाथ में रह आएगा ये इसकी खासियत है इसी की तरह की और भी दूसरे पौधे होते हैं यदि उनकी पत्तियों को आप रगड़ेंगे तो ऐसा काला रंग नहीं निकलेगा इसको पहले हरा होता है जब अपन रगड़ते हैं धीरे धीरे वो हाथ पूरा काला हो जाता है एक तरह से ये कलर कर देता है बिल्कुल हाथ को ये देखिए इसकी पहचान है और बहुत फ़ायदेमंद पौधा है एक बार आप आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा ये देखिए मैंने हाथ धो दिया फिर भी कलर हाथ काला दिख रहा है तो दोस्तों ये था भृंगराज और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए मिलती हूँ अगले वीडियो में बाय बाय हैप्पी गार्डनिंग